हेलो फ्रेंड, दिस इज सुनील कुमार एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर गुरु चैनल। तो सबसे पहले आप सबका कंप्यूटर गुरु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर गुरु चैनल जो आपके लिए हमेशा नए नए ट्यूटोरियल्स, नए नए वीडियोस अबाउट योर एंड्रॉयड, योर कंप्यूटर एंड डेली लाइफ टेक्नोलॉजी के बारे में लेके आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने जो है इस चैनल को राइट में यहाँ सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑनलाइन पासपोर्ट हम कैसे बना सकते हैं। ऑनलाइन पासपोर्ट जो है वो बनाने के लिए हमें जो है कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि ऑनलाइन पासपोर्ट हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने गूगल में आ जाता हूँ। गूगल में यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अप्लाई ऑनलाइन पासपोर्ट। तो मैं अप्लाई ऑनलाइन पासपोर्ट जैसे टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पासपोर्ट से रिलेटेड कई जो है वेबसाइट्स जो है खुल के सामने आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास बहुत वेबसाइट आ जाती हैं खुल के सामने। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पासपोर्ट वाली वेबसाइट को जो है राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोल लेना है, जिसपे ओनली लिखा हुआ www.passportindia.government.in। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो है पासपोर्ट का फुल वेबसाइट है, ये होम पेज इसको हम बोलते हैं, ये देखिए। और दूसरा आपको है यूज़र लॉगिन पासवर्ड सेवा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है यूज़र लॉगिन पासवर्ड सेवा। तो ये दोनों टैब मैं ये इसलिए आपको खोल के दिखा दिए, ये हमारा बात का टैब है। तो फिलहाल हमें जो है इस टैब पे काम करना है। तो पासपोर्ट सेवा का फ़ायदा लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है न्यू यूज़र एंड रजिस्टर नाउ, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, चेक द अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। तो पासपोर्ट के लिए जैसे कि हम लोग न्यू यूज़र हैं, यहाँ पे हमने उसको क्लिक करके अपना जो है पहले सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। ये मैंने इसलिए आपको खोल के दिखाया था पासपोर्ट सेवा कि इसमें अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र जब हो जाएंगे तब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि न्यू यूज़र में हमने जो है कैसे रजिस्टर करना है सबसे पहले पासपोर्ट के लिए। तो दोस्तों बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और पासपोर्ट लेने के लिए कितने हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो हमारे नियरेस्ट जो है पासपोर्ट ऑफिस होते हैं उन सब से हमें जो है यहाँ पे इजाज़त मिल जाती है। तो रजिस्टर टू अप्लाई एट CPB दिल्ली, इसको छोड़ दो, पासपोर्ट ऑफिस को आपने रहने देना है, पासपोर्ट ऑफिस आप। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ जलंधर ले लेता हूँ। फ़िलहाल मैं पंजाब से ही इसको जो है रजिस्टर कर लेता हूँ, जलंधर कर देता हूँ। नेम हमने देना है सुनीत कुमार, डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे डाल देना है, ईयर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो जिस ईयर में आप पैदा हो, वहाँ यहाँ पे ईयर, यहाँ पे मंथ, और नीचे से आप जो है डेट सिलेक्ट कर लो। ओके, ईमेल आईडी यहाँ से पूछेगा तो ईमेल आईडी डाल दो, तो मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, तो यस कर दो, हमें सेम ईमेल आईडी जैसे ही लॉगिन आईडी चाहिए। पासवर्ड आपको क्या चाहिए, पासवर्ड आप एक डाल दो, पासवर्ड की पॉलिसी होती है यहाँ पे, तो इसलिए पासवर्ड आप थोड़ा सा हार्ड डालिए। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बनाना है जिसके अंदर कुछ लेटर्स, कुछ सिंबल्स हमेशा हो। हिडन क्वेश्चन यहाँ पे आप एक हिडन क्वेश्चन दे दो कि आपका जो भी हिडन क्वेश्चन है, बर्थ सिटी, तो यहाँ पे मैं अपना बर्थ सिटी दे देता हूँ। आज से मानसर दे देता हूँ, और यहाँ पे इस कैप्चा को मैं, जैसे कि ये कैप्स में आप देख रहे हो कैपिटल लेटर में है, KUPA 10। ओके,
तो ये देखिए यहाँ पे पूरी आपने अपनी रजिस्टर डाल दी, क्योंकि हमने अभी सबसे पहले रजिस्टर करना है, तो मैं अभी रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ऐसे मैं रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का एक मैसेज आ गया है हमें। यह इन्होंने थैंक यू मैसेज भेज दिया कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन पासपोर्ट सेवा पोर्टल, टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज़ क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी, दिस लिंक विल बी एक्टिवेटेड ओनली 11/11, ओनली टिल 11/11/2016। तो इसका लिमिटेड पीरियड होता है जिसको आपने जो है एक्टिवेट करना होता है। तो चलिए मैं आपको अपनी अभी जो है ईमेल आईडी पे ले जाता हूँ। ईमेल आईडी से जाके हम लोग देखेंगे जो इन्होंने लिंक भेजा है, उसको लिंक पे हम लोग क्लिक करके इसको एक बार एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए मेरा ईमेल आईडी खुल गया है। अभी मैं जो है पासपोर्ट एडमिन से एक मैसेज आया है कंफर्मेशन का, यहाँ पे इस मैसेज को हम लोग खोल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि डियर एप्लीकेंट कंग्रेचुलेशन, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन पासपोर्ट सेवा। तो इसको हमने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो इस लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। यस, तो हम लोग जो है पासपोर्ट सेवा के जो इस पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारी यूज़र आईडी पूछ रहा है। तो यूज़र आईडी हमने अपना ईमेल दिया था, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल दे देता हूँ। और सबमिट कर देते हैं। तो जैसे हम सबमिट कर देते हैं तो हमारे पास ये देखिए नेक्स्ट पेज आ जाता है। यहाँ पे दिखा देता है योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपने जो है पासपोर्ट सेवा में जो है रजिस्टर्ड करवा दिया है ऑनलाइन, और आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। अभी नेक्स्ट ये मैसेज दे रहा है, प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉग इन और विजिट टू द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। पासपोर्ट सेवा पोर्टल में आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या मैंने पुराना पेज खोला था वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहीं से करते हैं। तो जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए, तो यहाँ पे लॉगिन आईडी और कंटिन्यू हमसे मांगेगा। लॉगिन आईडी हम डाल देते हैं, जो मैं ईमेल आईडी हमारा लॉगिन आईडी है, और कंटिन्यू करवा देते हैं। तो ये देखिए जैसे हमने लॉगिन आईडी दे के कंटिन्यू किया, तो इन्होंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड वाले पेज पे हमें रीसेंड कर दिया। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। मैं अभी पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, और उसके बाद एक कैप्चा वर्ड है, उसको कैप्चा को कैप में हम कैप्स में डाल देते हैं, 9QDK5C, और इसको लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करते ही हम लोग जो है जो पासपोर्ट सेवा केंद्र के जो है एक जो ऑथराइज इनका पेज है वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ जो है एप्लीकेशन होम में हम आ गए, तो हम इतने टाइप के जो है ये 6 टाइप के हम लोग काम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे सर्विसेज दे रखी हैं, तो आप इन सबका जो है फ़ायदा आप ले सकते हो। तो अभी जैसे कि हमें फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो मैं अपने एक कोलीग का जो है फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे हम फ्रेश पासपोर्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हम लोग जो है पासपोर्ट सेवा के इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको अल्टरनेट दे रखे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पासपोर्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, तो आप जो है ऑफलाइन भी कर सकते हो। आपको उसके लिए करना क्या है, अपना नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना है, वहाँ पे एक आपको एप्लीकेशन मिलती है, उस एप्लीकेशन को भरना है, अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और आपका जो पासपोर्ट वहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। मगर उन दोस्तों के लिए जिनके पास इंटरनेट है और जो वहाँ पे जाने की असुविधा को अवॉइड करना चाहते हैं, तो उनके लिए अल्टरनेट नंबर 2 है, दैट इज़ टू यू फिल द पासपोर्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन, क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एप्लीकेशन फिलिंग के लिए जो है प्रेजेंट, तो आपको जो है यहाँ पे स्टेट्स अपनी बतानी पड़ेगी, कहाँ के आप रहने वाले हैं और कहाँ कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप पासपोर्ट अप्लाई करने से। जैसे स्टेट मैं बता देता हूँ, पंजाब, और डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है पंजाब में,
होशियारपुर। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लोग डालते हैं अपनी स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे फिर पासपोर्ट टाइप के पेज पे हमें लेके आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल और टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, कितने पेज का बुकलेट चाहिए आपको। यहाँ 60 पेज और 36 पेज होता है, तो 60 पेज में इनका ₹500 एक्स्ट्रा चार्ज होता है, 36 पेज में जो है नॉर्मल चार्ज रहता है। तो इसलिए 36 पेज के ऊपर अप्लाई कर दो, यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा पासपोर्ट नहीं चाहिए हमें। तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरी अभी एप्लीकेंट्स की डिटेल आपको डालनी है, सेव माई डिटेल करके आपको नेक्स्ट कर देना है। ओके, तो उसके बाद जो है हमारा एप्लीकेशन डिटेल जैसे खुल जाता है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन डिटेल में आपको क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले आप अपना नाम दे दें, सरनेम दे दें, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर दें, तो यहाँ पे आप मेल या फीमेल आपने सेलेक्ट कर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्म देखिए, हैव यू एवर बीन नोन बाई अदर नेम्स, तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद सेकंड आपको, हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो नो, अगर आपने किया है तो आप दे सकते हो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप अपनी दे दो। एप्लीकेशन भरना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी स्टेप है। इफ़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, नो कर दो। जैसे प्लेस ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे उनका कलकत्ता है, तो मैं कलकत्ता भर देता हूँ। स्टेट उनकी वेस्ट बंगाल है और डिस्ट्रिक्ट उनका जो है कोलकाता है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल है या नहीं है, तो ये सारे हम भर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉलम है, यहाँ पे देखिए हमने सेलेक्ट कर देंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप, सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद आइदर योर पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस पे है या नहीं, तो यस या नो आप अपनी उसके हिसाब से कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आप अगर आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 10th पास हैं या नहीं, तो 10th पास मैं कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करते ही जो है हमारी फैमिली डिटेल्स जो है सामने आ जाती हैं, तो आपको फिर यहाँ पे अपना फैमिली डिटेल्स भरना है। तो फैमिली डिटेल्स में देखिए, सबसे पहले आपका फादर्स गिवन नेम, यहाँ पे वो नाम भरना है जो आपका जो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हैं, जो आपके पास आईडी प्रूफ्स के डॉक्यूमेंट रहते हैं, ठीक है। फादर नेम, मदर नेम एंड लीगल गार्डियंस नेम एंड अदर सरनेम्स जो है यहाँ पे आपको भरने हैं, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये भरने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, प्रेजेंटली आप कहाँ रह रहे हैं। इफ़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, यस या नो, उसको आप नो कर दें। और रिजाइडिंग सिंस, कौन से मंथ से आप रह रहे हैं, वो आपने बाहर का लिखना है। तो अभी हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, यहाँ पर आपका जो है फुल जो है एड्रेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अपना वो एड्रेस लिखना है जो वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है। तो रिजाइडिंग सिंस आप लिख दो, आप कब से इंडिया में रह रहे हैं। इफ़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो नो है, और प्रेजेंट एड्रेस है तो कब से आप वहाँ पे उस एड्रेस पे रह रहे हो। तो यहाँ पे मैं वो डाल देता हूँ, विलेज और टाउन डाल देता हूँ इनका, जैसे इनका है तो वेस्ट बंगाल डाल देता हूँ, इनकी डिस्ट्रिक्ट जो कोलकाता है तो कोलकाता डाल देता हूँ, और यहाँ पे इनका पुलिस स्टेशन, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वही डालना है, बिकॉज़ यहाँ वेरिफिकेशंस के लिए वो आपके पास आने वाले हैं। पिन डाल दो, तो यहाँ पे अपना जो करंट आपका मोबाइल नंबर है, तो मैं अभी उनका मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, तो जैसे कि ओके। तो यहाँ पे ईमेल आईडी जो है आप, इफ़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज़ योर एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है उसको यस करें, अगर नहीं है तो उसको नो करें। अगर नो करते हैं तो आपका प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है वो आपको देना है। अगर यस करता हूं मैं यहां पे, तो नेक्स्ट कर देता हूं, क्योंकि अगर दोनों सेम है तो ईमेल आईडी का फील्ड आपको भरना मस्ट होता था, भर दिया मैंने। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यहाँ पर ये पूछता है कि एमरजेंसी में आपका कौन सा कॉन्टैक्ट है, तो ये एट प्रेजेंट आपका एड्रेस है वो आप दे सकते हो, या प्रेजेंट एड्रेस आप दे सकते हो। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर डाल के इसको आप जो है नेक्स्ट करना है आपने, तो ओके मैं नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है, यहाँ पे आपको दो जो रेफरेंस हैं, जो आपको दो लोग जानते हैं, उनका एड्रेस देना है और उनका मोबाइल नंबर देना है कि हाँ आप वहाँ पे रह रहे हो, और ये लोग वेरीफाई करते हैं कि आप वहाँ पर रह रहे हो या नहीं रह रहे। इट्स जस्ट लाइक
द प्रूफ दैट पीपल नो यू दैट यू आर हेयर, इट कैन बी योर फ्रेंड्स और रिलेटिव नेम्स या नंबर ऑफ योर नेबरहुड्स, वॉट एवर आप जो है दो के नाम और उनके मोबाइल्स नंबर यहाँ डाल के और उसको हम जो है नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये देखिए जैसे हम नेक्स्ट कर देते हैं तो यहाँ पे पूछता है कि हैव यू एवर हेल्ड या होल्ड एनी डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, था आपके पास अप्लाइड किया था कभी, तो दोनों पे अगर नहीं किया हम फ्रेश हैं तो दोनों पे हम नो कर देंगे और इसको भी हम नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे कि ये फ्रेश पासपोर्ट है तो इसलिए हमें ज़्यादा कम्प्लिकेशन जो है क्रिएट्स नहीं करनी है, तो नेक्स्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए अदर डिटेल्स हमारे पास यहाँ आ जाती है। तो अदर डिटेल्स में आप लोगों ने पढ़ लेना है और नॉर्मली जो है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, हैव यू एवर बीन चार्ज विद अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग और एनी अदर अरेस्ट, यहाँ पे जो है पूरे वही होते हैं, आप सबको जो है नो कर दो क्योंकि ये क्रिमिनल डिटेल्स होती हैं, जैसे कि हमारा कोई भी रिकॉर्ड जो है क्रिमिनल नहीं है तो हम सबको जो है नो कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे अभी आ गया पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन, पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल्स, तो ऐसा पासपोर्ट आपका जो है बन के आएगा, आप यहाँ देख सकते हो। तो नेक्स्ट करेंगे इसको, नेक्स्ट करते यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आ जाता है, हमारी ओर से एक डिक्लेरेशन आता है कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है ये सब सही है। तो यहाँ पे हम अपनी प्लेस डाल देंगे, यहाँ पे इनका प्लेस कोलकाता डालेंगे और आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। ओके और ओके तो इसको अभी हम नो कर देते हैं और यहाँ पे ये देखिए नो आई डोंट वांट टू एनरोल द पासपोर्ट सेवा एसएमएस सर्विस, क्योंकि ये जो सर्विसेज अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये लोग क्या उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो इनको सबको नो कर दो, सिर्फ एग्री कर दो, नो कर दो और सबमिट कर दो फॉर्म, फॉर्म सबमिट कर देते हैं। तो ये देखिए जैसे दोस्तों हमने सबमिट किया तो इन्होंने यहाँ पे मैसेज आ गया, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज़ सो एंड सो। तो जैसे हमने सबमिट किया तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है सक्सेसफुली। तो अभी यहाँ पे जो है पेमेंट वाले पे ये हमें जो है पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पेमेंट करने के बाद हमें जो है अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे, ये देखिए। तो जैसे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे आते हैं हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, ऑनलाइन पेमेंट और चलान मतलब कैश में पेमेंट करना है। तो अभी हम जो है ऑनलाइन पेमेंट को, क्योंकि हमारे पास नेट बैंकिंग है, ऑनलाइन पेमेंट को चूज़ करते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे आ जाता है कि शेड्यूल अपॉइंटमेंट यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इतना, गिवन नेम ये है, सरनेम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, तो अभी हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, उसके बाद ही हमें जो है अपॉइंटमेंट मिल पाएगी। ये देखो अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी इन्होंने बता दिया, जो भी हमारा जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र है नियरेस्ट, जैसे इनका कोलकाता का पासपोर्ट सेवा केंद्र है, तो वहाँ की इन्होंने हमें जो है पूरी डेट्स जो है अवेलेबल बता दी है। तो हमने जो है अपनी लोकेशन चूज़ करनी है यहाँ पे, और लोकेशन अपनी चूज़ करने के बाद जो है एक कैप्चा दे के इसको नेक्स्ट कर देना है। तो ये देखिए लोकेशन दिया, अभी मैं यहाँ पे कैप्चा टाइप कर देता हूँ। कैप्चा टाइप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा टाइप करके नेक्स्ट कर देता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे आप हम ये हमें बता देता है कि इसकी जो है पेमेंट जो है 1500 रुपये आपको बुक करनी पड़ेगी, और अभी शायद इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया होगा। तो अपॉइंटमेंट अवेलेबल बता देता है यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। तो पे एंड बुक अपॉइंटमेंट में अभी आपने पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है आपको पेमेंट कर देना है 1500 रुपये का, और आपने जो अपॉइंटमेंट दिया है उस अपॉइंटमेंट में उस दिन में आपको जो है अपने नियरेस्ट जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके जो है वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया हुआ है यहाँ पे अपना अपने पासपोर्ट लेके आ जाना है। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पे ही जाके जो है लेफ्ट साइड में व्यू
सेव पब्लिक सबमिटेड एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन का पूरा स्टेटस आएगा। हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को व्यू करेंगे और व्यू करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को हम लोग जो है प्रिंट आउट एक निकाल के रख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा इसका अपॉइंटमेंट नंबर भी दिखा रहा है, स्टेटस भी पूरा दिखा रहा है। हमने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को एक प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद इस एप्लीकेशन को भी लेके साथ में जाना है। इफ़ यू हैव सक्सेसफुली फॉलो, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर आपने ये सारे स्टेप्स जो है सक्सेसफुली फॉलो किए हैं, प्रिंट ले लिया है एप्लीकेशन का, अपॉइंटमेंट आपके पास है, तो आपका जो है पासपोर्ट अभी रेडी है। आपने क्या करना है, जाके अपॉइंटमेंट लेना है और अपना पासपोर्ट जो है लेके आ जाना है। तो ये थी सारी प्रोसेस ऑनलाइन पासपोर्ट जो है बनाने का। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर आपके पास इंटरनेट है और अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो आप अपना पासपोर्ट जो है ऑनलाइन बना सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको हमारे ट्यूटोरियल जो है बढ़िया लगे होंगे। अगर हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो दोस्तों कंप्यूटर गुरु चैनल पर जाके हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ राइट क्लिक में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा।